एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सांपला रोड खरखोदा में वार्षिक खेल महोत्सव के पहले दिन प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं का इंडोर गेम आयोजित किया गया, जिसमें एलकेजी कक्षा के नन्हे मुन्हे बच्चों ने बैलेंस बॉल गेम में बॉल का बैलेंस बनाते हुए नवनीत व दृष्टि ने सबसे पहले बॉक्स में बॉल डालकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अवनी व प्रांजल ने द्वितीय स्थान तथा काव्या और परिकल्प ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद थ्रो बॉल गेम खेला गया, जिसमें एलकेजी कक्षा के परिकल्प ने प्रथम, हैप्पी ने दूसरा व ऋषभ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। यूकेजी कक्षा और पहली कक्षा के छात्र छात्राओं ने पजल गेम में भाग लिया, जिसके सेमीफाइनल में यूकेजी के आलोक ने प्रथम स्थान, हितिका ने द्वितीय व चेतन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिसका फाइनल कल खेला जाएगा। पहली कक्षा के शिवांश ने प्रथम स्थान, वंश ने द्वितीय व प्रतीक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पहली कक्षा के शिवांश ने कम समय में पजल गेम को पूरा करके अपनी कक्षा में रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद दूसरी कक्षा के छात्रों का लूडो गेम आयोजित किया गया, जिसमें नीति प्रथम मिहान ने द्वितीय व रजत और प्रिंस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। दूसरी कक्षा की छात्राओं ने लूडो में अवनी ने प्रथम स्थान, अनुष्का ने द्वितीय व माही और तिनाक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीसरी कक्षा के छात्र छात्राओं ने रिंग सर्कल व लूडो में भाग लिया। रिंग सर्कल गेम में प्रथम स्थान पर भाविक द्वितीय स्थान पर मानवी वसिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लूडो गेम में प्रथम स्थान वैभव ने, द्वितीय स्थान अंश ने व नैना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा चौथी के छात्रों ने लूडो गेम में भाग लिया, जिसमें रिया प्रथम स्थान पर, भूमिका द्वितीय स्थान पर व दक्ष तृतीय स्थान पर रहा। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती अलका गर्ग ने समझाया कि इंडोर गेम बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने, मानसिक की क्षमता व आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। प्राइमरी कक्षाओं में से खो खो की फाइनल के लिए टीमों का चयन भी आज किया गया। खरखोदा से जगत महान न्यूज़ की रिपोर्ट।